Assalamualaikum, namaste and good day to everyone. Let's continue with the consolidation series and welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and share my channel first. Okay, let's continue. And today our topic is overview of a muscle structure. वैसे ये anatomy का topic है, लेकिन kinesiology में एक छोटा सा इसका part जो है वो given है, क्योंकि हम ज्यादातर muscles की movement वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसमें ये course content में इसका एक topic था. That's why मैंने इसको जो है kinesiology की list में put किया. Okay. What is the muscle, what is the muscular system, और what we can say that उसका main function कौन कौन से, कितने उसके types हैं, वो हम थोड़ा बहुत देख लेंगे. तो muscular system की अगर हम बात करें तो it consists of all the muscles of the body, obviously, and round about बहुत सारे muscles, 60+ में muscles हैं. voluntarily skeletal muscles, तो इसके हम types वगैरह भी देखेंगे. voluntarily skeletal muscles, they constitute the greater majority of the named muscles. ज्यादातर जितने भी muscles के जो है वो named हैं, उन नाम हैं जिनके, उनमें से ज्यादातर स्केलेटल मसल्स हैं. ऑल द स्केलेटल मसल, दे आर कंपोज ऑफ वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मसल टिश्यू. उनकी कंस्ट्रक्शन और उनकी जो बनावट है वो सेम है. हाउएवर द अदर टाइप्स ऑफ द मसल टिश्यू, दे कंस्टिट्यूट अ फ्यू नेम्ड मसल्स, सिलियरी एंड एट्रूसर मसल्स एंड द इरेक्टर मसल्स ऑफ द एयर्स, एंड दे ऑल्सो फॉर्म इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गन लाइक स्मूथ मसल्स एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ द मसल टिश्यू की अगर हम बात करें तो मसल टिश्यू ऑफन कॉल्ड द मसल फाइबर्स बिकॉज दे आर लॉन्ग, एंड मसल फाइबर बेसिकली मिलके आपस में जो है वो एक मसल बनाते हैं, और मसल्स फाइबर से आपस में मिलके उनको फिब्रिल्स कहा जाता है. उनके अंदर फिर कॉन्ट्रेक्शन में जार्कोमेर, ए बैंड, सी बैंड वगैरह, और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बुनियाद पे ही एनाटॉमिकली उनको तीन मसल्स में डिवाइड किया गया, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. राइट, एसोसिएटेड कनेक्टिव, दे आर ऑर्गेनाइज इन टू टिश्यू, then move the body parts or temporarily alter the shape. They also reduce the circumstances of all part of internal organ, etc. Associated connective tissue, they convey the nerve fibers and capillaries to the muscle cell as it bind them into the bundles and काफी ऐसे कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं जो उनको सराउंड कर रहे होते हैं, और उनका भी रोल जो रोल प्ले करते हैं, उनको भी मायसाइज करते हैं. थ्री टाइप्स ऑफ द मसल, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बुनियाद पे बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मसल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल. कैसे उनको हम देखते हैं, वेदर इट इज नॉर्मली विलफुली कंट्रोल्ड वॉलंटरली एंड स्केलेटल मसल्स इनवॉलंटरी. एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, एक क्लासिफिकेशन ये भी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. वॉलंटरली मतलब जो हमारे विल में हो, जो हमारे हाथ में हो, हम उनको वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, उनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है. राइट, एक हमारे विल में नहीं होते, हम उनको वक्ती तौर पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक द स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल. आपकी हर्ट, आपकी जो हर्ट है वो मुस्तकल रिदमिसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, आप हर्ट बीट को रोक नहीं सकते, मुस्तकल नहीं रोक सकते, थोड़ी बहुत टेम्परेरी तौर पर रोक सकते. सेम फॉर द स्मूथ मसल, आपकी जो आर्टेरियोल या कैपिलरीज है, आपकी जो ऑर्गन के सराउंडिंग जो स्मूथ मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो इनवॉल्वेंट है. तो एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेस, लेकिन स्केलेटल मसल जितने भी हैं, द मूवमेंट्स यू डू, जो आपका सुपरफिशियल, जो आपने, जो आपके स्केलेटल पे मसल्स लगे हुए, उनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है. जैसे आप मूवमेंट परफॉर्म करते हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, ये आपके कंट्रोल में है, ये वॉलंटरी मसल्स हैं. वेदर इट अपियर्स स्ट्रक्ट आर अनस्ट्रक्ट, उनके बुनियाद पे भी एक क्लासिफिकेशन है कि वो स्ट्रेटेड हैं या नॉन स्ट्रेटेड है, वो भी हम देखेंगे. ओके, और वेदर इट इज लोकेटेड इन द बॉडी वॉल, अगर कुछ ऐसे हैं जो बॉडी वॉल पे लगे हुए हैं, उनको सोमा कहा जाता है. सोमा मतलब सेल बॉडी. राइट, एंड लिम्स और मेकअप द हॉलो ऑर्गन, कुछ ऑर्गन के ऊपर लगे होते हैं, विसरल के ऊपर लगे हुए होते हैं, ऑफ द बॉडी कैविटीज एंड ब्लड वेसल लाइक सोमेटिक एंड विसरल्स. थ्री टाइप्स ऑफ द मसल, द स्मूथ मसल. अब स्मूथ मसल अगर हम स्पिंडल्स की बात करें या स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड की बात करें, दे हैव स्पिंडल शेप्ड, नॉन स्ट्रेटेड मतलब सीधे नहीं होते, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, यूनिन्यूक्लेटेड, उनके फाइबर्स में एक न्यूक्लियस होता है, अकर्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन. ज्यादातर जो इंटरनल ऑर्गन है उनको, उनकी वॉल्स पे स्मूथ मसल्स होते हैं, एंड इनवॉलंटरी, और हमारे विल में नहीं होते, हम उनको वक्ती तौर पर तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होते हैं ज्यादातर, ना कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम से. कम टू द कार्डियक मसल, वर्ड कार्डियक हार्ट को इंडिकेट करता है, तो ये वॉल्स ऑफ द हार्ट में मौजूद होते हैं, ये स्ट्रेटेड है, लाइक ये उनकी तरह नहीं है, स्मूथ मसल की तरह नॉन स्ट्रेटेड नहीं, ये स्ट्रेटेड है. ब्रांच होते हैं, इनकी ब्रांचेस शाखें होती हैं, यूनिन्यूक्लेटेड होते हैं लाइक स्मूथ मसल, बट दे अकर इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, वो वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, ये हार्ट में होते हैं, एंड ये भी इनवॉलंटरली है, इनको भी ये हमारे ऑटोमेटिक रिदमिसिटी से कंट्रोल होते हैं. राइट, एंड फाइनली द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल लाइक कार्डियक दे आर स्ट्रेटेड, नंबर वन.
दे आर नॉट यूनिलेटरेटेड, दे आर मल्टी न्यूक्लेटेड एंड दे आर द ट्यूबुलर, ये इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड इट इज यूजली अटैच टू द, नाम ही बताता है स्केलेटल, तो ये स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं और ये वॉलंटरली है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दूसरों से इनकी डिफरेंट है। सब में कोई कोई ऐसी चीज है जो एक दूसरे से रिजेंबल करती है और कुछ ऐसी चीज जो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करती, जिनके बुनियाद पर इनका नाम पड़ जाता है। स्केलेटल मसल्स को पढ़ते हैं, उनके फॉर्म, उनके फीचर और उनके नेम, नाम किस तरह पड़े उनका। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स पे लगे होते हैं और वो स्ट्रेंथ भी देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मसल टेंशन भी इनमें प्रोड्यूस होती है, ताकि आप जो है वो उसके ऊपर टेंशन डेवलप होगी तो मसल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दे एनेबल द बॉडी टू मूव, बॉडी को मूव कराने में भी डेफिनेटली मूव मसल्स में टोन होगी, कॉन्ट्रेक्शन होगी तो मूवमेंट होगी। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर, दो तरह के मसल्स होते हैं, पोस्टल मसल होते हैं, फेजिक मसल होते हैं, वो भी स्केलेटल मसल्स ही हमारा पोस्चर बनाने में हेल्प करते हैं। एंड द स्केलेटल मसल दे आल्सो परफॉर्म द डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्क। डायनेमिक एंड स्टैटिक, इफ यू रिमेम्बर जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, टाइप्स ऑफ द मसल वर्क में एक स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्क था, तो वो दोनों मसल अल्टीमेटली जो आइसोमेट्रिक और आइसोट्रॉनिक, वो मसल्स स्केलेटल मसल्स ही हैं बेसिकली, ठीक है। डायनेमिक लाइक लोकोमोशन एंड पोजिशन ऑफ द सेगमेंट। स्टैटिक की अगर बात करें तो मेंटेन द बॉडी पोस्चर, जब आप एक पोस्चर पे खड़े हो लेकिन आपके मसल्स तो काम कर रहे हैं बेसिकली। स्केलेटल मसल दे आर द वॉलंटरी मसल, हमारे विल में होते हैं, विच आर अटैच टू द बोन्स ऑफ द स्केलेटल, तभी इसका नाम स्केलेटल मसल्स है। और राउंड अबाउट यहाँ पे 650 टोटल मसल, द नंबर ऑफ द स्केलेटल मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज राउंड अबाउट 640। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अभी भी हमने देखा था कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि दे आर द स्ट्रेटेड जो हमने पीछे इनकी देखी थी, ओके, और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं। मसल फाइबर दे कंसिस्ट ऑफ द मायोफिब्रिल्स, उनके अंदर बेसिक, उनके अंदर एक सार्कोमियर होते हैं, सार्कोमियर इज द बेसिक बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। किसी भी मसल को मूवमेंट कराने के लिए, कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए सार्कोमियर दरकार, उनको सार्कोमियर ही बेसिकली चला रहा होता है। और मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ द मायो फिलामेंट्स, फिर उसमें भी मजीद मायोफिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन जो कि कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में अगर देखें तो इफ यू कैन सी अ मैन जो कि एल्बो फ्लेक्स करते हैं, तो उनके एल्बो फ्लेक्सर में कोई भी एक, ज्यादातर ये मसल ब्रैकियोडेरिस ही रख रहा है, वहां से उनको निकाला गया, फिर उसमें देखा कि एक पूरा एक मसल फाइबर, उनकी लेयर्स हैं, एपीमाइजम जो सबसे ऊपर लेयर होती है, पेरीमाइजम उसके नीचे और उसके भी अंदर मायो माइजम होती है, फिर उसमें से भी एक मायोफिब्रिल को अलग से निकाल के देखा गया, जहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्केलेटल मसल। ये एक स्पेशल मसल फाइबर है जो कि सराउंड सराउंडेड होता है बाय द एंडोमाइसिन, ये इस तरह करके पिक्चर दिखाएगी। और फिर उसके अंदर एक्टिन एंड मायोसिन, इफ यू सी द, सबसे पहले मसल फाइबर, एक मसल फाइबर, ये मसल नहीं है, मसल फाइबर है, उसको जूम करके देखा तो उसमें एक ट्यूब लाइक, तभी ये ट्यूबुलर फॉर्म में एक चीज है। फिर उस ट्यूब को जब निकाला गया तो एक छोटा सा मायोफिब्रिल, उसके अंदर अगर जूम करके देखें तो एक सार्कोमियर को निकाल के एक्टिन एंड मायोसिन को शो किया गया, और यही कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स है। फंक्शन कौन कौन से हैं, दे प्रोड्यूस द टेंशन, मतलब टोन 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 होगी तो ही मसल मूव करेगा, मूव करेगा तो बॉडी मूव करेगी। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट ऑब्वियसली, दे आल्सो प्रोवाइड द पावर ऑब्वियसली, दे आर द फोर्स जनरेटर सिस्टम भी इनको कहा जाता है, एंड दे आल्सो मेंटेन द पोस्चर। कुछ स्केलेटल मसल्स की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो काइनेसियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत लाजमी है। सबसे पहले है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ अ मसल टू रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, मतलब मसल के अंदर जो रिसेप्टर, जब हमने इफ यू रिमेम्बर कि हमने एक वीडियो मैंने प्रीवियसली बनाई थी, क्या नाम था, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स मूवमेंट वाली एपिसोड में रिफ्लेक्स आर्क नाम के एक पाथवे को, पाथवे पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था पहला पहला कंपोनेंट क्या था, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होता है कि जगह जगह बॉडी में रिसेप्टर्स लगे होते हैं, स्किन में, मसल्स में, उनका काम क्या होता है, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करना। जैसे ही वो रिसीव करेंगे फिर वो सेंसरी न्यूरॉन को भेजेंगे और सेंसरी न्यूरॉन उनके अकॉर्डिंगली भेजेगा उसको मोटर अपना जो भी पार्ट होगा, अगर रिफ्लेक्स है तो वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, नहीं तो ब्रेन नर्वस सिस्टम को भेज देगा और उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स आएगा। तो किसी भी मसल की ऐसी रेस्पॉन्स एबिलिटी, जब आप कोई भी स्टिमुलस दो और वो आपको रेस्पॉन्ड करे, इस सलाहियत को इरिटेबिलिटी कहा जाता है। लेट सपोज हम किसी भी मसल को पिन लगाएं, कोई भी, तो मसल कोई ना कोई रेस्पॉन्ड करेगा बेसिकली। दिस रेस्पॉन्स, दिस एबिलिटी टू रेस्पॉन्स, एबिलिटी टू रिप्लाई टू एनी स्टिमुलस इज बेसिकली। अब वो स्टिमुलस कोई भी हो सकती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वॉट एवर स्टिमुलस कोई भी हो, लेकिन मसल ने आपको रेस्पॉन्ड किया, स्ट्रोक का पेशेंट है, डेड मसल है, आप उसको कितना भी स्टिमुलस दो वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो मतलब उसमें इरिटेबिलिटी नहीं है। तो इरिटेबिलिटी तब होगी जब वो रेस्पॉन्ड करेगा, तो मसल की ऐसी सलाहियत कि वो किसी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करे, इस कैरेक्टरिस्टिक को इरिटेबिलिटी कहा जाता है, राइट।
कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्टिलिटी वर्ड ही बताते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसी भी मसल को जब पहले स्टिमुलस मिलेगी, लेट सपोज, फिर वो मैसेज भेजेगा, मैसेज भेजेगा तो मैसेज देखेंगे कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, रिलैक्स कराना है। कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू रिमेम्बर, एक मसल की दो अटैचमेंट होती है, ओरिजिन एंड इंसर्शन। जब ओरिजिन इंसर्शन दोनों करीब आएंगे तो कॉन्ट्रेक्शन होगी, और ओरिजिन इंसर्शन जब दूर जाएंगे तो वो रिलैक्सेशन होगी, लेंथनिंग इन शॉर्ट। सो द कैपेसिटी ऑफ अ मसल टू डेवलप टेंशन बिटवीन इट्स एंड इन कॉन्ट्रेक्शन एंड कैन रिलीज इन टेंशन इन रिलैक्सेशन। डिस्टेंसिबिलिटी, जब मसल अपनी लेंथ में बढ़ता है, जब मसल्स अपनी लेंथ में बेसिकली बढ़ता है, जब हम नॉर्मली स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो मसल्स को खींच रहे होते हैं, लंबा कर रहे होते हैं, दैट इज द डिस्टेंसिबिलिटी। सो एबिलिटी ऑफ अ मसल टू लेंथन आर स्ट्रेस्ड जब कोई व्हेन व्हेन एन आउटसाइड फोर्सेस अप्लाई, जब भी कोई आउटसाइड सोर्स अप्लाई होगा। स्ट्रेचिंग हम करते हैं तो एक्टिवली भी आप करो तो कोई ना कोई तो फोर्स लगाते हैं ना मसल को स्ट्रेच करने के लिए, अप टू अ लिमिट, उसे हम फिजियोलॉजिकल लिमिट कहेंगे। उसके बाद तो वो पेन भी कर सकता है या डैमेज भी हो सकता है। इस सलाइट को डिस्टेंसिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है? ओके। और फिजियोलॉजिकल लिमिट से ज्यादा मसल्स को ना किया जाए स्ट्रेच, वरना डैमेज हो सकता है। इलास्टिसिटी क्या है कि मसल्स की ऐसी सलाइट, जैसे आप जैसे रबर को हम खींचते हैं, छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो मसल की ऐसी सलाइट जब भी उस पर प्रेशर अप्लाई हो, प्रेशर अप्लाई हो और छोड़ देते हो तो वो रिकॉयल होके अपनी वापस नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल, कुछ क्लासिफिकेशन स्केलेटल अकॉर्डिंग टू शेप, जैसे उनकी शक्ल है उस हिसाब से नाम पड़ता है। फ्यूजीफॉर्म, लेट सपोज, पैरेलल क्योंकि वो पैरेलल होते हैं, पीनेट फिर उसमें मजीद टाइप्स हैं, ट्रायंगुलर क्योंकि उनका शेप ट्रायंगुलर, डेल्टोइड लाइक स्पिंक्टर लाइक द सर्कुलर मसल्स जिस ऑर्बिकुलर ओरिस है, लेट सपोज स्पिंक्टर मतलब गोल। इफ यू कैन सी द पिक्चर, आपके सामने यूनिपेनेट और बाइपिनेट के हैं, मल्टीपिनेट का मसल है, ट्रायंगुलर में डेल्टोइड आपके पास, सर्कुलर में सर ऑर्बिकुलर ओरिस है और पैरेलल में आपके पास रोम्बोइड्स है। हम सबका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यूजीफॉर्म, मतलब स्पिंडल, स्पिंडल टाइप, राइट? द मसल फाइबर्स दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्पिंडल एज अ बेली, या तो उनकी बेली जिसे डाइजेस्टिव बेली है, लेट सपोज, या जिनके टू टेंडन लाइक द बाइसेप मसल एसेट्रा। इनकी फर्दर सब डिवीजन है, वन हेडेड मसल है, किसी का एक हेड है, टू हेडेड लाइक बाइसेप, ट्राई हेडेड मसल है, वन बेली मसल है, टू बेली मसल है जिसकी दो बेली होती है, मल्टीपल दो से भी ज्यादा हो सकती है, राइट? सेकेंड कैटेगरी पैरेलल, पैरेलल मसल फाइबर दे आर अरेंज पैरेलल, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ओके। इनकी फर्दर सब डिवीजन है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप में, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में। द बेस्ट एग्जांपल यू हैव द एब्स, रेक्टस एब्डोमिनस, नाम ही इंडिकेट करता है, रेक्टस एब्डोमिनस, एब्स का मतलब रेक्टेंगुलर इन शेप है, इसीलिए इसका नाम रेक्टस एब्डोमिनस। रोम्बॉइड ऑन द मिडिल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला पे रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर लगे होते हैं। ओके। और क्वाड्स, क्वाड्रेंगल की हम भी बात करें, क्वाड्रेंगल तो उनके चार, पीनेट या पीनीफॉर्म या पीनेट, पीनेट की फर्दर टाइप्स है उनको हम देखते हैं। पीनेट मसल फाइबर पैरेलल होते हैं लेकिन शॉर्ट होते हैं, वो लॉन्ग थे ये पैरेलल शॉर्ट होते हैं, एंड देर लाइंग ऑब्लिकली एक सेंट्रल एक्सेस होता है जिसमें ये निकलते हैं, अगर एक डायरेक्शन में निकल रहे तो यूनिपेनेट, दोनों तरफ से निकलते हैं तो बाईपेनेट, इस तरह करके ज्यादा होंगे तो मल्टीपेनेट। यूनिपेनेट द मसल फाइबर एक टेंडन के साथ अटैच होंगे, हाफ ऑफ द फीदर, जितना वो खम होता है ना पर, जो फीदर जिसको हम कहते हैं, उस पर को अगर हम देखोगे तो दोनों तरफ से फाइबर निकल रहे होते हैं तो वो बाईपिनेट है, लेकिन आधा अगर आप उसको देखो, हाफ फीदर को आप देखो तो एक तरफ, एक ये एक एग्जाम्पल है यूनिपेनेट का। बाईपिनेट का तो कंप्लीट फीदर एक बाईपिनेट का मिसाल। मल्टीपिलन में बहुत ज्यादा निकलते हैं, सरकम पिनेट में क्या होता है कि उस टेंडन से मसल फाइबर सारे हर एंगल से निकल रहे होते हैं सर्कल फॉर्म में बेसिकली, तो उन्होंने एक सर्कल फॉर्म बना दिया। ट्रायंगुलर शेप, एक आपके पास टेम्पोरल मसल्स है, उनकी सब डिवीजन एक है फैन शेप। फैन शेप होता है कि ट्रायंगुलर की तो कैटेगरी है लेकिन उस फैन शेप, उसकी शक्ल जो है फैन शेप है, टेम्पोरल मसल है, या ट्रेपीजियस, ट्रेपीजॉइड, ट्रायंगुलर ऑन टू साइड, वो दो साइड से ट्रायंगुलर होता है, ट्रेपीजॉइड मसल। स्फिंक्टर मसल जो गोल राउंड एंड राउंड हो, जस्ट लाइक द ऑर्बिकुलर ऑल्स। स्केलेटल मसल शेप, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ज्वाइंट दे क्रॉस। कुछ मसल्स ऐसे हैं जो एक ज्वाइंट पे शुरू होते हैं, उसी ज्वाइंट पे खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो एक ज्वाइंट को क्रॉस करके दूसरे पे काम करते हैं, जिस तरह क्वाड्स और
आपके हैमस्ट्रिंग है, मिसाल के तौर पर बाइसेप खुद है, बाइसेप निकलता है शोल्डर ज्वाइंट को क्रॉस करता है, एल्बो ज्वाइंट को क्रॉस करके रेडियस पे जाके लगता है, क्वास हैम ये बाई ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट को क्रॉस करते हैं, टू ज्वाइंट, और कुछ ऐसे हैं जो दो से ज्यादा ज्वाइंट को क्रॉस करते हैं, वो मल्टी ज्वाइंट है। टू ज्वाइंट में आपके पास फ्लेक्सर्स मसल, फोरआर्म के जो रिस्ट के जो फ्लेक्सर्स हैं बेसिकली। ओके, तो एक और क्लासिफिकेशन है जो हमारी कैंसोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, अपने फंक्शन के हिसाब से, काम की सलाहियत के हिसाब से। कुछ मसल्स हैं एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब इनको प्राइम मूवर भी कहा जाता है, इनको प्राइम मूवर, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, और मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे मूवमेंट तो होगी, लेकिन उस मूवमेंट की ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मसल्स के ऊपर होती है, इसीलिए इनको प्राइम मूवर कहा जाता है। लेट सपोज कोई भी मूवमेंट हो, मिसाल के तौर पर आप एल्बो की फ्लेक्शन करते हो, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकेलस एंड ब्रेकेरोटिकस, ऐसे ही है। तो इनमें से अगर हम बात करें कि अगर आपकी फोरआर्म सुपिनेटेड है और आप एल्बो की फ्लेक्शन कर रहे हो, तो सुपिनेटेड फॉर्म में एल्बो की फ्लेक्शन में मेन रोल बाइसेप ब्रेकाई है, तो बाइसेप ब्रेकाई इज द प्राइम मूवर, बाकी सेकेंडरी मूवर हो गए, राइट। दिस आर द मसल विच मेकअप द मेजर कंट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रेक्शन। सेकेंडरी मूवर में क्या होगा, ये दे आर द मसल विच क्रॉस द सेम ज्वाइंट, पर इनकी कंट्रीब्यूशन स्मॉल होती है। मैं एक सिंपल सा मिसाल, एल्बो की एक्सटेंशन होती है, एल्बो की एक्सटेंशन आपकी ट्राइसेप भी कराते हैं, और छोटा सा एक एल्बो एक्सटेंसर एंकोनियस, बहुत ही कम उनका रोल प्ले होता है। तो वहां पे अगर एल्बो की एक्सटेंशन हो रही है कहीं पे भी, कोई भी बंदा परफॉर्म करे, तो प्राइम मूवर ट्राइसेप होगा, सेकेंडरी मूवर जो है वो आपका एंकोनियस होगा। इसे हम, और दोनों को हम कहेंगे प्राइम मूवर्स, सॉरी दोनों को हम एगोनिस्ट कह सकते हैं, एंटागोनिस्टिक, जो एगोनिस्ट के अपोजिट हो वो एंटागोनिस्टिक होता है। एगोनिस्ट प्राइम मूवर्स हैं तो एंटागोनिस्ट है उनका रिवर्स है। मैं उसी एल्बो फ्लेक्शन को अगर कंटिन्यू करूं, तो जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करते हो तो एगोनिस्ट कौन से हैं, एल्बो के जो बाइसेप ब्रेक है या फ्लेक्सर्स हो गए, तो उसी वक्त मीन वाइल ट्राइसेप क्या हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया। लेकिन जब आप एल्बो की एक्सटेंशन करते हो तो एगोनिस्ट कौन हो गया, ट्राइसेप, तो मीन वाइल उसी वक्त एंटागोनिस्टिक कौन हो गया, बाइसेप, ठीक है। सिनर्जिस्ट, सिनर्जिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, दे आर द मसल विच वर्क टूगेदर इन क्लोज कोऑपरेशन एज दे अदर कॉन्ट्रैक्ट आर सिंपली मॉडिफाई द एक्शन ऑफ वन एगोनिस्ट। इनका बेसिक काम क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना, एंड दे बेसिकली इलिमिनेट द एक्शन ऑफ द अनडिजायर्ड मूवमेंट। बहुत ही आसान लफ्जों में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इनकी लास्ट लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स या इलिमिनेट द एक्शन ऑफ अनडिजायर्ड मूवमेंट। मिसाल के तौर पर एक मसल का दो काम, एक कोई भी एक मसल है जिसके दो काम है, लेकिन आपने एक वक्त में एक काम कराना है, दूसरे को नहीं कराना, तो दूसरा काम कैसे कैंसिल होगा। लेट्स सपोज मैं एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ, जब आप सुपिनेटेड फॉर्म में एल्बो की फ्लेक्शन करते हो, तो बाइसेप ब्रेकिया इज द मेन रेस्पॉन्सिबल मसल, बट इफ यू रिमेम्बर द बाइसेप सुपिनेटर भी है, लेकिन आपको सुपिनेशन नहीं चाहिए क्योंकि सुपिनेशन ऑलरेडी हुई पड़ी है मिसाल के तौर पर, या सुपिनेशन आपको नहीं चाहिए, या लेट सपोज इसी बाइसेप से आपने पहले सुपिनेशन करानी है, मीनवाइल एल्बो की फ्लेक्शन भी हो रही होगी, तो एल्बो की फ्लेक्शन को आपने कैंसिल करना है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जब आप एक मसल जो दो मूवमेंट कराते हैं, आपको एक मूवमेंट चाहिए, तो उसकी दूसरी मूवमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ, जब आपने लेट सपोज एल्बो आपकी फोर आर्म प्रोनेटेड फॉर्म में है, अब आपने एल्बो की फ्लेक्शन करनी है इन सुपिनेटेड, लेट सपोज, तो आपने ऑटोमेटिकली जब आप उसकी सुपिनेशन करोगे और एल्बो की फ्लेक्शन करोगे, तो बाइसेप का जो काम आपको चाहिए होता है, एल्बो की फ्लेक्शन, सुपिनेशन एक्शन को कैंसिल करने के लिए ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या करता है कि उसके अपोजिट जो प्रोनेटर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि सुपिनेशन का रोल कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे सिनर्जिस्ट का रोल किसने प्ले किया, प्रोनेटर्स ने, क्योंकि जो अनडिजायर्ड मूवमेंट थी उसको किसने खत्म किया, प्रोनेटर्स ने। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इसी फोरआर्म के मसल्स को आप प्रोनेशन करो, लेट सपोज सुपिनेशन करो, प्रोनेटेड फॉर्म में है, अब आप उसको सुपिनेट करो, आपको उसी बाइसेप से सुपिनेशन करानी है लेकिन एल्बो की फ्लेक्शन नहीं करानी, तो मीन वाइल एल्बो की फ्लेक्शन को कैंसिल कौन करेगा, एल्बो के ट्राइसेप मतलब एक्सटेंसर। तो यहाँ पे एल्बो के एक्सटेंसर ने रोल प्ले किया एज अ सिनर्जिस्ट, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी बेसिकली, ताकि एगोनिस्ट का काम इजी हो जाए, नंबर वन, नंबर टू अनडिजायर्ड मूवमेंट खत्म हो जाए। लास्टली एक और कैटेगरी है हमारे पास, इसमें मेंशन नहीं है, चौथी कैटेगरी है फिक्सेटर, स्टेबलाइजर, उनका काम क्या होता है, स्टेबलाइज करना। ये होते यही मसल्स हैं, लेकिन एक मसल जो जिस वक्त रोल प्ले कर रहा होता है
उसका नाम उस हिसाब से पड़ जाता है। ऐसे फिक्स नहीं, एल्बो का फ्लेक्सर हमेशा फिक्स एगोनिस्ट नहीं रहेगा, वो एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है, एल्बो एक्सटेंशन मिसाल के तौर पे। तो अब एक और कैटेगरी है फिक्सेटर और स्टेबलाइजर। उनका काम क्या होता है, मसल्स को स्टेबलाइज कर। लेट सपोज जब आप कोई बाल बॉल पकड़ के या कोई भी चीज थ्रो करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले मसल्स क्या करेंगे, स्केपला को, रोम्बोइड्स हो गए, स्केपला के प्रोटेक्टर्स हो गए, वो स्केपला को स्टेबलाइज कर देंगे और ऐसी पोजिशन में रखेंगे कि आप इजिली बॉल को थ्रो कर सको। तो वहां पे उनका रोल एज ए क्या हुआ, एज ए स्टेबलाइजर हो गया। एक और क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मायोग्लोबिन दे कंटेन रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल। रेड मसल्स को स्लो ट्विच फाइबर्स भी कहा जाता है और व्हाइट मसल को फास्ट ट्विच फाइबर्स भी कहा जाता है। स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पॉन्स मेक श्योर दे आर द मसल विच कंटेन इनमें रेड मसल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें रेड फाइबर ज्यादा होते हैं, इसीलिए मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, इनको रेड मसल कहा जाता है। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट विच रिक्वायर्स अ स्लो एक्शन बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये वो मसल्स हैं जो रेस्पॉन्स देर देर से करते हैं, स्लो करते हैं, राइट, लेकिन ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक भी चलते हैं स्लो, लाइक हार्ट बीट है मिसाल के तौर पे। तो हार्ट बीट थ्रू आउट चल रही होती है, तो इन मसल्स में क्या होता है, क्या इनका काम क्या होता है कि एक्शन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है। दे कॉन्ट्रैक्ट वेरी स्लोली। अब जब कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करेंगे तो देर से थकेंगे, फटीग जल्दी नहीं थकेंगे ये, ओके। एंड दे रिलैक्स, दे आल्सो रिलैक्स स्लोली एंड दे डोंट सफर फ्रॉम फटीग इजिली, आसानी से ये नहीं थकते इजिली। एग्जाम्पल नेक एक्सटेंशन, मैंने एक हार्ट का मिसाल दिया था, नेक एक्सटेंशन। नेक एक्सटेंशन आप देखें ज्यादातर काम आपका 8-10 घंटे सोते हो आप लोग, लेकिन ज्यादातर तो आप कोई भी काम करो, सिटिंग स्टैंडिंग जो भी, आपकी गर्दन नेक एक्सटेंसर है। तो नेक एक्सटेंसर में जो है ज्यादातर ये रेड मसल्स, इनमें ज्यादातर ये आपका स्लो ट्विच फाइबर्स हैं बेसिकली, क्योंकि इन्होंने ज्यादा काम के लिए वर्कआउट करना होता है। फास्ट ट्विच फाइबर या व्हाइट मसल क्या होता है, इनमें एक तो रेड फाइबर्स बहुत ही कम होते हैं और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट विच रिक्वायर द रेपिड एक्शन शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन एक्शन जल्दी चाहिए आपको। लेट सपोज तो ये मसल्स हैं, ठीक है। दे कॉन्ट्रैक्ट वेरी रेपिडली, दे फटीग आर वेरी इजिली एंड दे रिलैक्स रेपिडली, सो दे आल्सो फटीग इजिली, लाइक दी ओकुलर मसल्स, आपके जो आंख के जो मसल्स हैं उनकी बात हो रही। एक और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए आप मेरी वो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ द मसल वर्क में, ठीक है। आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक है। आइसोमेट्रिक जिसमें लेंथ सेम रहे, मसल फिजिकली मूवमेंट नहीं करेगा लेकिन इंटरनली मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, फिजिकल मूवमेंट नहीं होगी। और आइसोटोनिक में क्या होता है कि मसल्स की मूवमेंट भी होगी, वेरिएशन भी होगी, लेकिन फिर इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। टोन सेम रहती है, इसमें लेंथ चेंज होती है, टोन सेम रहती है, लेकिन इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, स्टेटिक एंड डायनामिक, सॉरी कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। अगर मसल्स के ओरिजिन और रिसेप्शन एक दूसरे के करीब आती है तो कंसेंट्रिक, अगर दूर जाती है तो इसेंट्रिक, ओके। ये उसके दोनों टाइप। आइसोकाइनेटिक फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें आई विश आई वुड सजेस्ट यू कि मेरी प्रीवियस वीडियो टाइप्स ऑफ मसल वर्क के नाम से काइंडली उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको, राइट। एक और कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन ऑफ द पुल इन रिलेशन टू द जॉइंट्स। फ्लेक्सर्स है मिसाल के तौर पे, जो फ्लेक्सर्स के जितने भी मसल्स है वो एंटीरियर, इफ द लाइन ऑफ द पुल पासस एंटीरियर टू द जॉइंट एक्सेस द मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर। अब देखो जितने भी मसल्स हैं, एल्बो के फ्लेक्सर्स हो गए, शोल्डर के फ्लेक्सर हो गए, हिप के फ्लेक्सर, वो ज्वाइंट के इंटीरियर नहीं, और जो ज्वाइंट के पोस्टीरियर हैं, मतलब पोस्टीरियर टू द ज्वाइंट एक्सिस, दे आर द एक्सटेंसर एबडक्टर्स लेटरली, ठीक है, और एडक्टर्स मीडियल। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और लास्ट से आई वुड सजेस्ट यू कि जितने भी क्लासिफिकेशन थे और डिफरेंट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अगर हम इसको समराइज करें, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी हैव अ कार्डियक स्मूथ एंड स्केलेटल, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वी हैव एगोनिस्ट एंटागोनिस्टिक सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर, अकॉर्डिंग टू द शेप वी हैव अ फ्यूजीफॉर्म, वी हैव अ पिनेट, वी हैव अ सर्कुलर जो सर्कुलर फॉर्म में था, एंड वी हैव अ पैरेलल एसेक्टर, जो भी हमने टाइप्स टाइप देख ली थी। एंड अकॉर्डिंग टू द डियर व्हाट व्हाट वी कैन से द लाइन ऑफ द पुल वी हैव अ फ्लेक्सर एक्सटेंसर एंड ऑल फ्लेक्सर एक्सटेंसर एबडक्टर एंड एडक्टर। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग।